हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे 20 अप्रैल के करंट अफेयर्स। आइए स्टार्ट करेंगे पढ़ना। सवाल नंबर एक है, हाल ही में विश्व हीमोफीलिया दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन ए है 15 अप्रैल, ऑप्शन बी है 16 अप्रैल, ऑप्शन सी है 14 अप्रैल, ऑप्शन डी है 17 अप्रैल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, 17 अप्रैल को मनाया गया। क्या 17 अप्रैल को मनाया गया? वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। एक बार इंपॉर्टेंट डेज को रिवाइज कर लेते हैं। 1 अप्रैल को विश्व उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खाद्यान्न जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को राष्ट्रीय हस्त निर्मित दिवस, 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, 9 अप्रैल को CRPF शौर्य दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग नरसिंहार दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चगास रोग दिवस, 15 को विश्व कला दिवस और 16 को विश्व आवाज यानी कि वर्ल्ड वॉइस डे। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने किस देश को 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दे दी है? तो ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है चीन, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रीलंका। श्रीलंका को भारत ने कितने 10,000 टन निर्यात यानी कि भेजना, आयात मतलब हमारे देश में कोई देश आता है तो उसको आयात कहते हैं, और ये क्या है, ये है निर्यात। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो श्रीलंका में भारतीय आवास परियोजना के अंतर्गत 1300 घरों के निर्माण का औपचारिक शुभारंभ हुआ है। वनडे में दोहरा शतक लगाने वाले पहले श्रीलंकाई क्रिकेटर प्रथम निशांका बने हैं। श्रीलंका और मॉरिशस ने UPI सर्विस को वर्चुअली लॉन्च किया है। भारत श्रीलंका के पर्यटन स्रोत के रूप में शीर्ष पर है। नए भारतीय उच्चायुक्त संतोष झा ने श्रीलंका में पदभार ग्रहण किया है। भारतीय सशस्त्र बलों को श्रीलंका में गोल्डन ऑर्डर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में मूव करेंगे। हाल ही में किसे विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है पैट कमिंस, ऑप्शन बी है नेट साइवरब्रेट, ऑप्शन सी है उपर्युक्त दोनों, ऑप्शन डी है एंड्रयू टाई। तो राइट उत्तर है ए और बी दोनों है। तो पैट कमिंस और नेट साइवरब्रेट दोनों को ही विजडन के विश्व के अग्रणी क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने 130 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली एक्स्ट्रा मार्क 2 मिसाइल का परीक्षण करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है कनाडा, ऑप्शन सी है इजराइल, ऑप्शन डी है भारत। तो राइट उत्तर है ऑप्शन डी भारत। तो भारत एशिया में सबसे अधिक विदेशी फंड का आकर्षकर्ता बना है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन उत्पादक भारत बना है। सबसे ज्यादा उत्पादन मोबाइल का भारत में हो रहा है। भारत के वैज्ञानिकों ने केले के छिलके से इको ब्रांड ड्रेसिंग बनाई है। इको फ्रेंडली होगा शायद ये। भारत की पहली महिला रोबोट व्योममित्र अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारतीय पासपोर्ट 84वें स्थान पर रहा। डेनमार्क ने भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत करी है। तो किसने करी है? डेनमार्क ने करी है, हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत की है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में कौन संख्यांकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत अतिरिक्त सचिव बने? तो ऑप्शन ए है आदित्य तिवारी, ऑप्शन बी है अजीत आनंद, ऑप्शन सी है अनुपम मित्तल, ऑप्शन डी है सौरभ भारद्वाज। अतिरिक्त मतलब एक्स्ट्रा जो होता है वो सचिव है ये। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी अजीत आनंद जी बने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। राष्ट्रीय महिला हॉकी कोच के कौन बने? हरेंद्र सिंह। वेटरन कोच लिंडी कैमरून। जगजीत पावड़िया जी कौन बने? अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स के बने हैं। SJVN का अध्यक्ष सुशील शर्मा को नियुक्त किया गया। इंपॉर्टेंट है, इनको हम रोज रिवाइज करते हैं ताकि आपको याद हो जाए अच्छे से। हाल ही में KG जैन का निधन हुआ, फिर कौन थे? ऑप्शन ए संगीतकार, ऑप्शन बी कार्टूनिस्ट, ऑप्शन सी समाज सेवी और ऑप्शन डी वैज्ञानिक। तो राइट उत्तर है वो संगीतकार थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में कहां के उच्च न्यायालय ने PSA 1978 के तहत व्यक्ति को हिरासत को रद्द कर दिया है?
ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो राइट उत्तर है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन भी श्रीनगर में खोला गया है, ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में। उत्तर प्रदेश के पहले सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज की स्थापना कठुआ में होगी, कहाँ होगी? कठुआ में होगी। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया, भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर बना है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा कहां के प्रधानमंत्री बने हैं? तो ऑप्शन ए है बांग्लादेश, ऑप्शन बी है श्रीलंका, ऑप्शन सी है कुवैत, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। राइट उत्तर है ऑप्शन सी कुवैत के बने हैं। तो लॉरिस बॉक को सिंगापुर का, लॉरिस बॉक कहां के बने हैं? सिंगापुर के बने हैं। जूडिथ सुमिनवा तुलिका के बने कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। साइमन हैरिस आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। तामस सुल्योग हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं, तामस सुल्योग। लेटी टेओ तुबालू की नई प्रधानमंत्री बनी है। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में किसने भारत का पहला स्थानीय रूप से निर्मित इलेक्ट्रिक डंप ट्रंक लॉन्च किया है, ट्रक लॉन्च किया सॉरी। ऑप्शन ए महिंद्रा ने, ऑप्शन बी अशोक लीलैंड ने, ऑप्शन सी सैनी इंडिया ने, ऑप्शन डी मारुति सुजुकी ने। राइट उत्तर है ऑप्शन सी सैनी इंडिया ने किया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में आरबीआई ने किस बैंक के ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? ऑप्शन ए यस बैंक, ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑप्शन सी बंधन बैंक, ऑप्शन डी एचडीएफसी बैंक। तो राइट उत्तर है ऑप्शन बी बैंक ऑफ बड़ौदा ने बॉब पर लगा दिया है प्रतिबंध आरबीआई ने। क्वेश्चन नंबर 11 है, हाल ही में किसे लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है अमिताभ बच्चन, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है सलमान खान। तो राइट उत्तर है ऑप्शन ए अमिताभ बच्चन को दिया गया है लता मंगेशकर पुरस्कार। 2024 में एबल पुरस्कार गणित का नोबेल जिसको बोलते हैं मिशेल टेलाइट को सम्मानित किया गया है। इससे नीदरलैंड के इरास्मस पुरस्कार 2024 से अमिताभ घोष को सम्मानित किया गया। मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से नीता अंबानी को सम्मानित किया गया, मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन। रिकेने बामामोटो ने 2024 पिक्चर पुरस्कार, प्रिट्जकर पुरस्कार आर्किटेक्चर ने नोबेल जीता है। भारत को खसरा और रुबेला चैंपियन पुरस्कार मिला है। मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब क्रिस्टीना पिजकोवा ने जीता है, पिजकोवा। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में किसने अपनी पुस्तक इंडिया द रोड टू रेसिनेंस ए विजन एंड ए एजेंडा पुस्तक लॉन्च की है? ऑप्शन ए है चित्रा बनर्जी, ऑप्शन बी है मेघना अहलावत, ऑप्शन सी है भीमेश्वर चल्ला, ऑप्शन डी है गोटबाया राजपक्षे। सही उत्तर है ऑप्शन सी है इसका भीमेश्वर चल्ला। तो गोटबाया राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक लिखी है। चित्रा बनर्जी ने द अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एंड राइजिंग ए ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। किसने? भूपेंद्र यादव ने। इंपॉर्टेंट है सारी बुक्स किसी भी एग्जाम परस्पेक्टिव से, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो पीसीएस हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम का टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, या फिर कोई भी एग्जाम हो, पैट हो, सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये जीके की पुस्तकें। हाल ही में एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते हैं? ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 7, ऑप्शन डी है 8। तो राइट उत्तर है ऑप्शन बी 9। क्वेश्चन नंबर 14 है, हाल ही में स्वदेशी मुद्दों पर संयुक्त राष्ट्र स्थायी मंच के 23वें सत्र का आयोजन कहां किया गया है? ऑप्शन ए है जयपुर, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी है न्यूयॉर्क, ऑप्शन डी है जापान। तो राइट उत्तर है ऑप्शन सी न्यूयॉर्क में किया गया है। आज का सवाल है, हाल ही में ग्रीनफील्ड नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने फ्यूल पाइपलाइन के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए है ऊर्जा ग्लोबल, ऑप्शन बी है रिलायंस पावर, ऑप्शन सी है बीपीसीएल, ऑप्शन डी है अडानी ग्रीन। कल का जवाब है, हाल ही में दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए था बेंगलोर एयरपोर्ट, ऑप्शन बी था मुंबई एयरपोर्ट, ऑप्शन सी था जेवर हवाई अड्डा एयरपोर्ट, ऑप्शन डी था हर्ड फील्ड जंक्शन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो राइट उत्तर था इसका हर्ड फील्ड जंक्शन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जरूर कर लें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें।